हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस, थिंक बिफोर यू लर्न। इस वीडियो में देखने वाले हैं HSSC के द्वारा जो हमारा लेटेस्ट जो अपडेट आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 दिन पहले क्या हुआ था, 2 से 3 दिन पहले जो सुनवाई होल्ड पे थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि जो केस था उसे डिसमिस कर दिया गया है। कहा है कि जो ये रिजल्ट पे या उसके क्वालिफाइंग नेचर पे बस दो ही चीज़ें, या तो गवर्नमेंट या तो फिर HSSC जो आपका आयोग है वो इनमें से कोई भी डिसीजन ले सकता है। कि ये 2 गुना बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, 4 गुना बुलाते हैं, 16 गुना बुलाते हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं। इन्होंने ये सब चीज़ें कह के इस केस को जो है डिसमिस कर दिया है। आगे इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आना है हमारे पास, जो इसका जो रिजल्ट रहेगा या कितने बच्चों को कॉल करना है वो दे विल डिसाइड गवर्नमेंट और HSSC ये दोनों मिलके ही डिसाइड करेंगे। वो दो दो गुना बुलाएंगे या 4 गुना बुलाएंगे। अर्लियर क्या न्यूज आया था, पहले जो था HSSC वालों ने, HSSC जो आयोग है हमारा, उनके जो चेयरमैन है खत्री साहब, उन्होंने क्या कहा था कि जो स्टूडेंट है उनको कैटेगरी वाइज क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। कैटेगरी वाइज कॉल किया जाने में बच्चों को क्या खतरा था कि जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है या कोई डिप्लोमा है, तो वो स्टूडेंट क्या होंगे, वो स्टूडेंट आपके क्या करेंगे, रिपीट होंगे, वो स्टूडेंट आपके रिपीट होंगे, ये वाला खतरा था। तो ये कैटेगरी वाला सीन जो है खत्म करके अब क्या कर दिया गया है, जो बच्चे हैं सबसे सुझाव लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा। ग्रुप वाइज वो लोग बुलाएंगे। अगर वो ग्रुप वाइज बुलाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे जो कॉमन हमारा ग्रुप है, कॉमन जो हमारा ग्रुप है वो है ग्रुप नंबर 56। अगर ग्रुप नंबर जो 56 है उसमें जो बच्चे हैं है ना, वो इसमें जो 56 है उसमें एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं 7,000 उसके अंदर वैसे ही है, और इन्होंने बुलाया है 4 गुना, तो ये कितना हो गया, 28K अप्रोक्स, 28K है ना। ये जो बच्चे होंगे टॉप टॉप जो 28K जो बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा। ऐसे ही टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो हैं 32,000। 32,000 में क्या होगा कि 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसमें 128 1.28 128 के जो टोटल स्टूडेंट उनको बुलाया जाएगा। तो इसकी कंपेयर में, पहले वाले की कंपेयर में जो कि क्या था, स्टूडेंट को कैटेगरी वाइज बुलाने में चीजें रिपीट हो रही थी, तो इतने बच्चों को जो है आपका फायदा नहीं मिल रहा था जितना आपका कैटेगरी वाइज वालों को अब चीजों को मिल रहा है। तो सारी चीजें एनालाइज करके ये वाले जो कैटेगरी वाइज वाला है इसे अडॉप्ट किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या मिल सके, मौका मिल सके। अभी के बाद क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है, क्या चीजें कैसे रेफर करेंगी, कौन लोग सेफ हैं कौन लोग नहीं सेफ हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं पहले। तो जो है 70% जो स्टूडेंट्स हैं, जो 70+ ऐसे स्टूडेंट जिनके 70+ मार्क्स हैं, ऐसे 2,000 स्टूडेंट हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लाई कर रहे हैं 60 टू 70 सॉरी, ऐसे स्टूडेंट जिनके जो मार्क्स हैं वो लाई कर रहे हैं 60 टू 70, ऐसे हमारे पास 2012 के स्टूडेंट हैं। तो टोटल मिला के अपने पास कितने हैं, 14 के स्टूडेंट हैं। जो कॉमन ग्रुप है, जो आपका कॉमन ग्रुप है जो ग्रेजुएट वाला आपका, उसमें अगर किसी बच्चे के 60+ मार्क्स हैं तो वो अपने आप को इसमें सेफ समझे। उस कैटेगरी वाइज जो है आपके 60+ अगर किसी बच्चे का स्कोर है तो अपने आप को सेफ समझे, किसमें, जो आपका कॉमन जो ग्रुप है 56 वाला ग्रेजुएट वाला, उसमें सेफ समझे अपने आप को। अब इसमें भी जो 2,000 हैं इसमें से भी कितने होंगे, 500, तो 1,500 बच्चे ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, ग्रेजुएट वाले, 1,500 बच्चे इनमें से ग्रेजुएट वाले हैं। कॉमन ग्रुप में जो जो कट ऑफ लाई करने वाला है हमारा, वो लाई करेगा 60 टू 64 फॉर श्योर, इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ कट ऑफ लाई करेगा। जो कॉमन ग्रुप है जो आपका 56, उसके लिए जो हमारा कट ऑफ है वो यहाँ पे लाई कर रहा है फॉर श्योर, इससे नीचे नहीं जाने वाला। और अगर हम बात करें किसी भी कोर्स की, जो आपका डिप्लोमा होल्डर है, जैसे कि अपन JEE लगा लेते हैं, सिविल वाले, सिविल JEE, मैकेनिकल JEE, और या फिर कोई भी डिप्लोमा होल्डर है आपका, ये सब है ना जिन्होंने जस्ट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने जस्ट क्वालिफाई किया है मतलब 50+ जिनके मार्क्स हैं, वो अपने आप को सेफ समझे है ना। इनका तो श्योर फॉर श्योर इनका सेकेंड एग्जाम के लिए आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वो जरूर रिलीज हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप +2 में हैं, यही तो रह गया, 12th के जो स्टूडेंट हैं, अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो
एडमिट कार्ड है वो रिलीज होगा। अगर आप इससे नीचे लाई कर रहे हैं 59 या किसी चीज पे, तो आप जा सकते हैं डी ग्रुप के लिए, या तो फिर जो अपकमिंग जो आपका सी ग्रुप का अपकमिंग आपका जो सीईटी का जो एग्जाम आने वाला है उसकी प्रिपेयर में फिर से लग जाइए। अगर आपके एग्जाम में 50 से 60 अगर आपके जो मार्क्स हैं 60 से कम है और आप प्लस टू वाले हैं, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका जो है एडमिट कार्ड आने वाला है। इतने में आप, इससे बिलो में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि प्लस टू पर सबसे ज्यादा फाइट है, कम फाइट है यहाँ पर। जो ये आपके डिप्लोमा होल्डर हैं, है ना, या तो फिर आपका कोर्स वाले हैं, ये सब में आपका कम फाइट है। अगर आपका जस्ट क्वालिफाई भी है तो भी आपका जो सेकंड पेपर के लिए एडमिट कार्ड आना है वो आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो फर्दर आपके लिए उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और हमारा जो ब्राइट वाइब क्लासेस से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।